व्हाट्स न्यू इन मार्केट में आज सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। TikTok के बैन होने के बाद YouTube लाया है एक नया प्लेटफॉर्म जिसमें आप बना सकते हैं TikTok जैसे छोटे छोटे वीडियो। जी हाँ, Google के मालिकाना हक वाली कंपनी YouTube शॉर्ट वीडियो के लिए एक नया प्लेटफॉर्म YouTube शॉर्ट्स लेकर आया है। YouTube शॉर्ट्स में TikTok की तरह ही वीडियो बनाए जा सकते हैं जो करीब 15 सेकंड के होंगे। बताया जा रहा है कि YouTube शॉर्ट्स सबसे पहले भारत में ही लॉन्च होगा, उसके बाद बाकी देशों में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल YouTube शॉर्ट्स का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें मोबाइल के जरिए बहुत कम समय में मनोरंजक वीडियो बनाए जा सकते हैं जिससे कलाकारों और क्रिएटिव लोगों को फायदा होगा। एप्पल ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है। ये स्टोर गुंबद आकार का है और पानी पर तैरता रहता है। कंपनी के मुताबिक नए स्टोर का डिजाइन रोम के पैथियन से इंस्पायर्ड है। इसमें 150 कर्मचारी हैं जो दुनिया भर की 23 भाषाओं में माहिर हैं। स्टोर सिंगापुर के एप्पल मरीना स्टैंड्स पर स्थित है। ये स्थान सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक स्थानों में से एक है। कांच से बने इस स्टोर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेल्फ सपोर्टेड है। नए एप्पल मरीना स्टैंड स्टोर के निर्माण में कांच के कुल 114 पीसेस का उपयोग किया गया है। स्ट्रक्चरल कनेक्शन के लिए इसमें सिर्फ 10 नैरो वर्टिकल मुलियंस का उपयोग किया गया है। पानी पर तैरते वक्त इस नए स्टोर का नजारा बेहद आकर्षक है। प्लास्टिक की बोतल से बना एक प्रोडक्ट बाजार में इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारत में सबसे बड़े मार्केट शेयर वाली टेक कंपनी Xiaomi की, जिसने एक नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा है जो कोई गैजेट न होकर एक टी शर्ट है। Xiaomi के टी शर्ट काफी खास है क्योंकि इसे रिसाइकल किए गए मटेरियल से तैयार किया गया है और फिटनेस लवर्स के लिए मार्केट में उतारा गया है। Xiaomi MI इको एक्टिव टी शर्ट को 12 रिसाइकिल की गई बोतलों से बनाया गया है। रिसाइकेबल मटेरियल से बने होने के बावजूद इस टी शर्ट का ब्रीदेबल फैब्रिक पसीना सोखता है और साथ ही स्क्रीन फ्रेंडली भी है। इसकी शुरुआती कीमत 999 रुपए रखी गई है।